इस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये बात है साल 1997 की, जब रूस के एक शिकारी ने जिसका नाम मार्कोव था, उसने एक साइबेरियन टाइगर पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया था और बिना उसे जान से मारे वो उस टाइगर के थोड़े से मांस के टुकड़े को काटकर अपने साथ ले गया, क्योंकि उसे टाइगर का मांस खाना बहुत पसंद था और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी, क्योंकि साइबेरियन टाइगर बहुत ही चालाक जानवर है जो कि कभी भी अपने शिकार का पीछा करके उसका शिकार नहीं करता, बल्कि वो एक जाल बिछाता है, एक ऐसा जाल जिससे शिकार कभी भी निकल नहीं सकता। असल में मार्कोव के गोली मारने के बाद उस घायल टाइगर ने उसी जगह पर पड़े रहकर अपने आप को रिकवर किया और क्योंकि मार्कोव ने उस टाइगर को बहुत पास से गोली मारी थी जिससे टाइगर को उसकी गंध याद रह गई थी, साथ ही वो मार्कोव के पैरों के निशान का पीछा करते हुए उसके घर तक चला गया। हालांकि मार्कोव अपने घर पर नहीं था, लेकिन उस टाइगर ने वहीं झाड़ियों में छिपकर मार्कोव का घंटों तक इंतजार किया। फिर जब कुछ समय बाद मार्कोव वहां आया तो झाड़ियों में छिपे घायल टाइगर ने मार्कोव पर अचानक हमला कर दिया और मार्कोव की जान लेकर अपना बदला ले लिया। वैसे क्या आपने कभी साइबेरियन टाइगर को देखा है? कमेंट करके जरूर बताना।